मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अवाड़ ने लोकल ट्रेन यात्रियों को एक होने का आह्वान किया है। जितेंद्र अवाड़ ने बताया है कि 21 लोकल ट्रेनें मुमरा से रद्द की गई हैं। आखिर यात्री कैसे मुंबई की तरफ जाएंगे? 4 सितंबर 2022 रविवार को मुमरा रेलवे स्टेशन पर दोपहर 12 बजे जो नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है वहाँ पर जितेंद्र अवाड़ रेल यात्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। आपको बता दें कि मुमरा और कलवा के जो यात्री हैं ये एसी ट्रेन के खिलाफ हैं और नॉर्मल लोकल ट्रेन की मांग कर रहे हैं। वहीं विधायक जितेंद्र अवाड़ ने साफ तौर पर ये भी कहा है कि रेलवे अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले 2 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन रेलवे पटरी पर उतर कर करेंगे। इस पूरे मामले में खुद कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अवाड़ ने क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। यातायात की हो, कोई भी समस्या हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जुड़ी हो, वो पुलिस से जुड़ी हो और कोई राष्ट्रीय मसला हो, जैसे NRC का राष्ट्रीय मसला था, मैं मुमरा के वालों के लिए लड़ता ही रहता हूँ। अब 21 ट्रेन कैंसिल हुई है, मुमरा पे रुकने वाली 21 ट्रेन कैंसिल हो गई, तो मुमरा से लोग जाएंगे कैसे? इसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही उठा लूँ इस विषय। आखिर मैं समाज सेवक हूँ, काम किसी का भी हो, समाज सेवा करते हो तो सब काम अपना ही समझना चाहिए। मैं मेरा ही काम समझ रहा हूँ और आंदोलन की चेतावनी दी है मैंने। मैंने कलवा में मीटिंग ली, कलवा में भी बहुत लोग नाराज़ हैं क्योंकि लोगों को इधर खाने के लिए पैसा नहीं है और अब AC ट्रेन चला रहे हो। ये तो ऐसा हो गया है कि पाव नहीं मिल रहा है खाने को और बोलोगे जाओ केक खाओ, तो बहुत ही गलत है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा और अगर वक्त आए तो कानून भी हाथ में लेना पड़ेगा। संडे को क्या प्रोग्राम है? संडे को लोगों को जानकारी भी देनी है और लोगों को से समझना भी है क्या दर्द है उनके दिल में। कहाँ बुलाएंगे? ये रेलवे स्टेशन के बाहर जो इलाका है M-Gate वहाँ पर बुलाया है। आपने रेलवे से बात की, अगर वो नहीं माने मुमरा कलवा का तो आगे क्या बोलेंगे? आगे तो हमने बोल दिया 2 अक्टूबर को हम फिर मुमरा से निकलेंगे चलेंगे ट्रैक पे, कलवा से लोग निकलेंगे चलेंगे ट्रैक पे। तो सिर्फ संडे को रेल यात्री आना या मुमरा के आवाम? नहीं नहीं नहीं, ये एक पहली चीज बोल रहा हूँ कि मैंने इसके ऊपर पार्टी का नाम नहीं डाला है, मैं कोई पार्टी का नुमाइंदगी नहीं करूँगा। ये रेलवे के पब्लिक के लिए है, वो ये जो मुमरा कलवा में हो रहा है उसका फ़ायदा अब बदलापुर को होने वाला है, अंबरनाथ को होने वाला है, दीवा को होने वाला है, आगे जाके थाना को होने वाला है और आगे जाके सभी स्टेशनों को होने वाला है। तो ये लड़ाई जब हम लड़ते हैं तो यात्रियों के लिए लड़ते हैं, कोई पार्टी के बैनर के नीचे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुमरा की आवाम मेरी आवाम है तो मेरे को कोई पार्टी का बैनर इसमें लाना है। लेकिन हमारे नेता शरद पवार जी जो जानकार है उन्होंने भी कहा कि ये गरीबों के ऊपर जो विचार जो कष्ट करते हैं, दिन की कमाई पेट के लिए, रात को पेट के लिए खाते हैं, उनके ऊपर बड़ा संकट है इसी का, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि मंत्री से बात करके इसके ऊपर उसको सोच विचार करना पड़ेगा।